बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ विजडम हाउस स्कूल सिस्टम क्लास 9th। टुडे आर टॉपिक ऑफ डिस्कशन फ्रॉम द सब्जेक्ट फिजिक्स इज ऑन पेज नंबर 102 ऑफ योर टेक्स्ट बुक एंड द नेम ऑफ द टॉपिक इज न्यूट्रल इक्विलिब्रियम विच इज़ द थर्ड स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम की तीसरी स्टेट है जिसको आज हम पढ़ने लगे हैं। टेक अ बॉल एंड प्लेस इट ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस। आप एक बॉल लें और उसे एक हॉरिजॉन्टल प्लेन सरफेस के ऊपर रखने की कोशिश करें। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हो, बॉल ऐसे वो स्माइली की इमोजी टाइप कुछ ले लें, कुछ बॉल इस तरह का, या कोई मार्क कर लें, निशान लगा लें इस तरह, जिस तरह डायग्राम में आप देख सकते हो। इसे प्लेस करें किसी हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर, ठीक है। तो आप ये ऑब्जर्व करोगे कि जैसे ही आप बॉल को रोल करने के बाद छोड़ेंगे, रोल द बॉल ओवर द सरफेस एंड लीव इट आफ्टर डिस्प्लेसिंग इट फ्रॉम इट्स प्रीवियस पोजिशन। तो जिस पोजिशन पर यह पहले था, उस पोजिशन से अगर आप इसे छोड़ देंगे, जैसे ही आप इसे छोड़ेंगे, इट रिमेन्स इन इट्स न्यू पोजिशन एंड डज नॉट रिटर्न टू इट्स प्रीवियस पोजिशन। तो होगा ये कि बॉल जो है रोल होता है वो एक नई पोजिशन गेन कर लेगा, वो पिछली पहले वाली पोजिशन पर वापस नहीं आएगा। तो ऐसी जो कंडीशन होती है कि जिसमें बॉल जो है वो एक या ऑब्जेक्ट एक न्यू पोजिशन गेन कर ले और प्रीवियस पोजिशन पर वापस ना आए, तो ऐसी जो कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है वो है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। और इसकी स्टेटमेंट हम इस तरह से कर सकते हैं, डेफिनेशन कर सकते हैं कि इफ अ बॉडी रिमेन्स इन इट्स न्यू पोजिशन व्हेन डिस्टर्ब्ड, कि जब बॉडी को थोड़ी सी स्लाइट मूवमेंट के बाद या उसके थोड़ा सा उसमें डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करने के बाद बॉडी न्यू पोजिशन पर आ जाए फ्रॉम इट्स प्रीवियस पोजिशन, अपनी पिछली पोजिशन को छोड़कर एक न्यू पोजिशन गेन कर ले, तो ऐसी कंडीशन जो है वो बॉडी की कहा जाता है कि उसे ये स्टेट ऑफ न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है। और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में ऑल द न्यू स्टेट्स विच अ बॉडी इज मूव्ड आर द स्टेबल स्टेट्स। और वो जो न्यू स्टेट में जब आएगा वो, तो वो उसकी अगली न्यू पॉसिबल या स्टेबल स्टेट कहलाएगी, और बॉडी इसी न्यू स्टेट में रहेगा। और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी रिमेन्स एट द सेम हाइट। सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो सेम हाइट पर रहती है रिस्पेक्टिव ऑफ द न्यू पोजिशन, और उसमें न्यू पोजिशन का कोई ऐसा अमल दखल नहीं होता। न्यू पोजिशन के सेंटर ऑफ ग्रेविटी का बॉडी न्यू स्टेट में आ जाता है। देर आर वेरियस ऑब्जेक्ट्स विच हैव न्यूट्रल इक्विलिब्रियम सच एज अ बॉल, अ स्फीयर, अ रोलर, अ पेंसिल लाइंग हॉरिजॉन्टली, एन एग लाइंग हॉरिजॉन्टली ऑन अ फ्लैट सर्फेस एक्सेट्रा। ये हमारी डेली लाइफ में बहुत सारी ऐसी एग्जाम्पल्स हैं जो कि न्यूट्रल इक्विलिब्रियम गेन किए हुए होते हैं। कि मतलब अगर हम बॉल की एग्जाम्पल लें तो रोलों का न्यू शेप गेन कर लेता है, और वो न्यू शेप उसकी स्टेबल इक्विलिब्रियम की शक्ल होती है, और उसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी का कोई ऐसा अमल दखल नहीं होता। न्यू शेप में ही न्यू जो स्टेट गेन करता है उसी में वो स्टेबल होता है।